बिपरजॉय तूफान के बीच सेना और एनडीआरएफ के जवान लोगों को बचाने में लगातार जुटे हुए हैं। सेना एनडीआरएफ ने बिपरजॉय से निपटने के लिए खास तैयारियां कर ली हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में बिपरजॉय चक्रवात का सबसे ज्यादा खतरा है, ऐसे में सेना भी पूरी तरह तैयार और मुस्तैद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों से बात की और चक्रवात बिपरजॉय के प्रभाव से निपटने के लिए सशस्त्र बलों की तैयारियों की समीक्षा की। राजनाथ सिंह ने कहा कि सशस्त्र बल चक्रवात के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति या आकस्मिकता से निपटने के लिए तैयार है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 जून को चक्रवात के गुजरात तट पर पहुंचने के साथ ही भारी बारिश होने की संभावना है। कच्छ, देवभूमि, द्वारका और जामनगर जिलों में अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में फंसे लोगों को एनडीआरएफ, बीएसएफ और सेना के जवान लगातार मदद कर रहे हैं। वो अलग अलग इलाकों में लोगों की मदद कर रहे हैं, वो लोगों को बचा रहे हैं। इस बीच 15 जून को जब तूफान गुजरात के तट से टकराएगा और विकराल रूप धारण करेगा, तब सेना एनडीआरएफ के जवान मसीहा बनकर फिर से लोगों की जान बचाएंगे। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।